सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज मैं आपको फंक्शुई वेल्थ बाउल कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। सभी लोगों के घर में एक मनी बॉक्स, वेल्थ बॉक्स या वेल्थ बाउल होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपनी प्रॉस्पेरिटी को जब आप बार बार देखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, आपके मन में थॉट आता है कि आपके पास भी पैसा है, एक फुलनेस का, अबंडेंस का मैसेज आपके दिमाग में जाता है। तो वेल्थ बाउल किस कंसेप्ट पे काम करता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जो चीज देखोगे, जो चीज सोचोगे, यूनिवर्स से वही चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा एक संदेशा है, वेल्थ बाउल बनाना एक संदेशा है यूनिवर्स को कि अब आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वेल्थ बाउल बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। देखो, वेल्थ बाउल कुछ ऐसा बाउल आप ले लेंगे, कोई भी आप इसमें एलिमेंट का ले सकते हैं, आप क्रिस्टल ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, मेटल भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो मेटल का होता है, ठीक है। तो आप भी मेटल का ही ऐसा कुछ बाउल ले लें, सबको आसानी से बाजार से मिल जाएगा या सबके घर में भी होगा। तो एलिमेंट आपको मेटल ले लेना है, ठीक है। एलिमेंट मेटल लेने के बाद कलर की बात आती है, कौन कौन सा कलर आपको बाउल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, गोल्डन, सिल्वर, रेड या फिर ग्रीन। ये चार कलर्स हैं जो कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे आसान सभी के लिए गोल्डन कलर इस्तेमाल करना है, क्योंकि गोल्डन कलर का बाउल आपको इजीली सभी दुकानों पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने एक सिंपल सा बाउल ऐसा ले लिया। बाउल लेने के बाद जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, इसको क्लीन करना, इसकी स्मजिंग करना। तो आप दो अगरबत्ती लेके सबसे पहले इसके अंदर घुमाकर इसको पूरा क्लीन करके स्मज कर देंगे, इस इंटेंशन के साथ कि अब मेरा बाउल पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपका बाउल रेडी है, अब आप इसमें क्या करेंगे, जो आपकी मंशा है, जो आपकी इंटेंशन है, सबसे पहले उसे कागज में लिखिए, अपनी इंटेंशन को, कि मैं चाहती हूं मेरे घर में बहुत पैसा आए, मैं चाहती हूं कि मेरे घर में हर तरफ से इनकम आए, मेरे लिए नए सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जाए, जो आपका इंटेंशन है वो आपने बनाया, या मैं अपने करियर में और अच्छा ग्रो कर जाऊं, आपने लिख लिया एक छोटे से कागज में। सबसे पहला स्टेप है यहां पर अंदर रख देना है आपको, फर्स्ट थिंग। अब आपने क्या करना है, कुछ चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी जो आप इसमें रखते चले जाएंगे। सबसे पहली चीज आप इसमें क्या रखेंगे भाई, आपकी प्रॉस्पेरिटी को क्या चीज दिखाती है, सिक्के, कॉइन्स, रुपए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें डालेंगे सिक्के, ढेर सारे, जितना आपका मन करे उतने सिक्के भर दीजिए, खूब सारे सिक्के भर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, जितने आपके पास हो आपने सिक्के भर दिए। सिक्के भरने के बाद आप इसमें कुछ डालेंगे रुपीज भी, ठीक है, कुछ रुपीज लेकर आपने इसमें रख दिए। मतलब हमको हर वो चीज रखनी है जिससे आपको लगे कि ये, हाँ, मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब रुपए, पैसे, धन दौलत, ये चीज। तो आपने सिक्के इसमें डाल दिए। अब आप इसमें क्या डालेंगे, आप डालेंगे इसमें क्रिस्टल्स। कौन कौन से डाल देंगे, वैसे तो आपके पास जो अवेलेबल है डाल दें, क्रिस्टल नहीं है तो परेशान मत होना कि हमारी बाउल नहीं बन पाएगी, ठीक है। क्रिस्टल्स मनी को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तो इसीलिए डालेंगे तो बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या डाला, हमने ग्रीन जेड डाला सबसे पहले, ग्रीन जेड इस साल का क्रिस्टल है, तो आपने ग्रीन जेड डाल दिया, जितना रखना है रख लें। सिट्रीन डाल दिया, आपने ग्रीन एवेंचुरिन डाल दिया, टाइगर आई डाल दिया, मनी, बिजनेस, ग्रोथ, सक्सेस देने वाले क्रिस्टल्स हैं, तो ये मैंने क्रिस्टल्स इतने डाल दिए, आपको भी ऐसे ही क्रिस्टल्स डाल लेने हैं। अब और क्या चीजें आपको प्रॉस्पेरिटी को आपकी दिखाती हैं भाई, प्रॉस्पेरिटी को तो दिखाती है कि आपके पास दौलत के साथ साथ जेवर भी हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल ऐसे कुछ ले लेना है, आर्टिफिशियल आप चाहें तो माला ले लें, गोल्डन कलर में कुछ भी ले लें, जैसा भी आर्टिफिशियल आप चाहें, तो इस तरीके से ले लें और ऐसे रखिए कुछ ऐसे, मतलब भरा हुआ है, भरा हुआ खजाना इस तरीके से कुछ ऐसा रखिए, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपकी वेल्थ ओवरफ्लो हो रही है, कुछ इस तरीके से दिखाइए, आपने ऐसा वेल्थ ये रख लिया। कुछ भी आप आर्टिफिशियल रखिए, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉइन्स रुपीस के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बाद हम इसमें ऐड करते हैं कुछ ऐसी हर्ब्स जो मनी को अट्रैक्ट करती हैं। तो भाई आपने तेज पत्ता रख लिया, आपने इसमें सिनेमन स्टिक रख ली, सिनेमन स्टिक के कुछ पीसेस आपने डाल दिए ऐसे। अब एक छोटी सी ऐसी बॉटल में रखती हूं मनी ऑयल की,
मनी ऑयल क्या है, मनी को अट्रैक्ट करता है, मनी ऑयल जहां रहेगा मनी को अट्रैक्ट करेगा। तो आपके पास अगर मनी ऑयल है तो थोड़ा सा ऑयल लेके अपनी बाउल में भी लगा दें और फिर इस तरीके से किसी भी बॉटल में लेके अपना मनी ऑयल भी इसमें रख दीजिए। तो ये सारी चीजें मनी को अट्रैक्ट करने वाली हैं। और आप इसमें क्या रखेंगे, मैं अपने वेल्थ बाउल में रखती हूं एक फिश भी। फिश वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का प्रतीक होता है। फिश कहां रहती है, वॉटर में। वॉटर क्या है, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का प्रतीक होता है। तो हम एक फिश भी ऐसे मैं अपनी बाउल में रखती हूं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भी एक फिश को भी ऐसे रख दीजिए बाउल में। और मैं इसमें क्या रखती हूं, आपने इसमें रखना है मनी फ्रॉग। ये फ्रॉग फंगशुई का एक फ्रॉग है, आप सब लोग परिचित होंगे, जिसके मुंह में होता है एक सिक्का जो आपके घर में पैसे को लेकर आ रहा होता है। तो आपने प्रॉस्पेरिटी के लिए जो बाउल बनाई है उसमें मनी फ्रॉग ना रखें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको मनी फ्रॉग भी रखना है, जिसके मुंह में देखिए एक सिक्का है ना, तो इस तरीके का सिक्का लिए हुए एक फ्रॉग भी आपने अपने बाउल में रख दिया। तो ये क्या करेगा, पैसे को लेकर आपके घर में आएगा। बस इसकी खासियत यह है कि इसका मुंह घर के दरवाजे की तरफ नहीं कभी भी रखना है, मीन्स पैसा लेकर आपके घर से बाहर ना जा रहा हो, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक खास चीज और जो आप इसमें रखेंगे वो है रेड एनवेलप। रेड एनवेलप क्यों रखेंगे, रेड एनवेलप हम कब इस्तेमाल करते हैं, रेड एनवेलप इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई सेलिब्रेशन हो, कोई ओकेजन हो, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, कोई गुड लक के लिए, मीन्स अच्छी खुशी प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई चीज है, मीन्स कहीं ना कहीं जॉय और हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है रेड एनवेलप, है ना। शादी ब्याह में जाते हैं तो इसी में तो रख के कुछ कुछ व्यवहार देते हैं जो वापस भी आता है ना। तो ये है एक खुशी का, एक गुड लक का प्रतीक रेड एनवेलप। तो आपने क्या करना है, रेड एनवेलप में आपने रख देना है सिक्का, आपने ऐसे करके सिक्का डाल दिया और अपने एनवेलप को भी आपने रख दिया इसमें ही, ऐसे अपने बाउल में आपने रेड एनवेलप जरूर रख देना है, ठीक है। कहीं भी ऐसे रख दीजिए, इस तरफ से ऐसे रख दीजिए, रेड एनवेलप आपने रख दिया। तो ये आपका बाउल आ रहा है कंप्लीशन की तरफ। और आप इसमें क्या रख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख कर रख सकते हैं, कुछ वेल्थ के सिंबल्स रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो ये सब है एडिशनल चीज है। अब आपका वेल्थ बाउल एटलीस्ट बनकर तैयार हो गया। एक आध चीज कम, एक आध चीज ज्यादा होने से चलेगा। अगर कुछ और भी आपको लगता है ऐड करना है तो ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कम है तो परेशान भी मत होइए, ठीक है। आपने वेल्थ बाउल बना लिया, ये आपका वेल्थ बाउल है। बनाते वक्त पूरा इंटेंशन आपको रखना है कि ये मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को लेकर आ रहा है, आता है हमेशा। अब क्या है जरूरी, इसको रखना कहाँ है और एक्टिवेट कैसे करना है, दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले इसको एक्टिवेट आपको कैसे करना है, एक्टिवेट आपको करना है कि भाई फुल मून है तो आपने मून लाइट में रख दिया। अब आ रहा है न्यू मून, तो आप क्या करेंगे, न्यू मून पे हम करते हैं नई शुरुआत। तो न्यू मून पे अपना ये बाउल आपको कल परसों में बना लेना है। न्यू मून के अगले दिन आप, ये अमावस्या के अगले दिन आप इस बाउल को अपना बना लें, तब तक सामान इकट्ठा कर लें रेडी और बाउल अपना बैठ के आपको बना लेना है। बाउल बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक रात तो रात को खुले में रखा हुआ आपको छोड़ देना है इसको, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि अब ये पूरी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ भरता चला जा रहा है। और आप क्या करेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए, दो अगरबत्ती लेंगे हाथ में और पूरे अपने बाउल पे अगरबत्ती का धुआं घुमाएंगे, इसको स्मज करेंगे, पूरी तरह से क्लीन करेंगे, इसको स्मज करेंगे, ठीक है। स्मज कर दिया, एक्टिवेट होने लगेगा। प्लस आपको क्या करना है, बेल बजाकर भी इसको एक्टिवेट करना है, इस तरह से आप बेल बजाकर इसको कर देंगे एक्टिवेट ऐसे। रात भर जो आपने खुले में रखा था, अब आप सुबह उठाकर इसको रखेंगे उस जगह जहां आपको रखना है। तो कहां रखना है, सबसे पहली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, घर का साउथ ईस्ट। अगर खुला है तो साउथ ईस्ट में रख लें, नहीं तो लिविंग रूम के साउथ ईस्ट में रख लें। नहीं, अगर लिविंग रूम का साउथ ईस्ट भी कॉर्नर खाली नहीं मिलता है तो आप कहीं भी इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर आपकी निगाह बार बार जाती जाए, ठीक है। हमेशा आप कहीं भी निकले आपकी निगाह इस पे पड़ जाए, छुपा हुआ नहीं रखना, ऐसी जगह पे अपना बाउल ऐसे रखिए भरा हुआ। तो आपको क्या जाएगा मैसेज, हमेशा मैसेज जाएगा फुलनेस का, प्रॉस्पेरिटी का, पैसा, जेवर, इन चीजों का। यही आपको करना है, कहीं भी रख लें जहां आपको दिखता रहे, साउथ ईस्ट अगर नहीं मिले तो। दूसरा, थोड़ी ऊंचाई पे रखें,
ऐसा नीचे नहीं रख देना इसको, जमीन पे नहीं रखना, टेबल पे नहीं रख देना ताकि बच्चे हिलाएं गिराएं, ऐसा सब नहीं करना। थोड़ी सी ऊंचाई पे रखिए जहां बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तीसरी और खास बहुत चीज, क्लटर फ्री हो, उसके आसपास ऐसा नहीं कि गंद भरी हुई है वहीं पे हमने ये भी रख दिया, नहीं, कोई जगह खाली करके कुछ बिछा के वहां पर अच्छे से रखिए, रिस्पेक्ट के साथ इसको रखिए और पूरा इंटेंशन रखिए कि अब मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होके आए। धुआं करते हैं तो उस समय इसको भी क्लीन कर दिया, स्मच कर दिया, तो ये रहेगा चार्ज और हमेशा आपके लिए अट्रैक्ट करता रहेगा मनी को। तो साथियों ये है फंग शुई वेल्थ बाउल जो आज मैंने आपको बनाना सिखाया, उम्मीद करती हूँ सब लोग पसंद करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, प्यार भरा नमस्ते।